बंगाल के विकास के लिए एक बोर्ड बनाएंगे और हर साल 2000 करोड़ रुपया उत्तर बंगाल के विकास के लिए उत्तर बंगाल विकास बोर्ड को भाजपा सरकार देगी। ये नारायणी सेना जिसने सालों तक मुस्लिम आक्रांताओं से उत्तर बंगाल की रक्षा करी, वो नारायणी सेना के स्मरण में हम यहां पर एक बटालियन बनाएंगे जिसमें मेरे राजवंशी समाज के भाई होंगे और नारायणी सेना को 100 साल तक हिंदुस्तान न भूले ऐसी व्यवस्था कराएंगे। यहां पर एक भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है। हमने तय किया है कि मोदी जी के साथ मिलकर बंगाल सरकार यहां पर एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करेगी। चाय बागान का सिनकोना गार्डन, फॉरेस्ट विलेज और डीआई, ये सबके निवासियों को भूमि का पट्टा सरकार बनने के 6 माह के अंदर हम देकर उनको अपनी भूमि का मालिक बनाने का काम करेंगे। मित्रों, मुझे बताओ, ये निश्चित बैठा है, हर चौथे दिन मेरे पास आ जाता है कि अमित भाई घुसपैठ की चिंता करो, घुसपैठ की चिंता करो। आप लोग घुसपैठ से परेशान हो या नहीं हो, जोर से बोलो, परेशान हो या नहीं हो? मुझे बताओ, दीदी सीएम बनती है तो घुसपैठ रोकेगी क्या? रोकेगी क्या? घुसपैठ कौन रोक सकता है? भारतीय जनता पार्टी ही घुसपैठ रोक सकती है। इतनी सारी माताएं बहनें आई हैं, मैं आपको वादा करता हूं, इंसान तो छोड़ो, वहां से परिंदा भी घुसपैठ न कर पाए ऐसी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। उत्तर बंगाल में अन्नदाता मेगा फूड पार्क हम बनाएंगे, एक चाय पार्क बनाने का निर्णय भी भारतीय जनता पार्टी ने किया है और 500 करोड़ से हॉर्टिकल्चर को भी हम बढ़ावा देंगे। मित्रों, ठाकुर पंचानंद बर्मन न केवल उत्तर बंगाल, पूरे देश के संस्कृति के बड़े संरक्षक रहे। हमने तय किया है 250 करोड़ रुपया खर्च कर ठाकुर पंचानंद बर्मन का एक बहुत बड़ा स्मारक बनाएंगे जिससे पूरे उत्तर बंगाल का प्रतिनिधित्व हो। मित्रों, हमने तय किया है कुछ बिहार के रास मेले को 500 करोड़ रुपया खर्च कर इसको इंटरनेशनल पॉपुलर करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर। उत्तर बंगाल में कोई भी बड़ी बीमारी आती है कलकत्ते जाना पड़ता है या नहीं जाना पड़ता है, बताओ भाई? जाना पड़ता है ना। हमने तय किया है कि उत्तर बंगाल में कुछ बिहार के अंदर एक एम्स बनाकर पूरे उत्तर बंगाल के बीमारों का स्वास्थ्य का चिंता करेंगे। 10,000 करोड़ का कादम्बिनी गांगुली हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाएंगे। हमने हर महिला को केजी से पीजी तक की शिक्षा फ्री ऑफ कॉस्ट करने का काम हमने करा है। इतनी सारी दीदी बैठी हैं, बस में जाती हो तो टिकट लेना पड़ता है या नहीं लेना पड़ता है? जरा जोर से बोलिए दीदी, ऐसा होता है क्या? लेना पड़ता है ना। 2 मई के बाद, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद, एक भी माता को, बहन को, बेटी को बंगाल में टिकट नहीं लेना पड़ेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मुसाफरी करने की शुरुआत।